वाराणसी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 4 मई को संपन्न हो चुका है। मतदान दिवस पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद ईवीएम को यहीं पहाड़िया मंडी के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। जैसा कि मैं बता दूं, 2022 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर वाराणसी में काफ़ी हंगामा हुआ था। इस बार ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है और प्रत्याशियों के जो अभिकर्ता हैं वो भी ईवीएम को सहेजने के लिए यहां 24 घंटे डटे हुए हैं। प्रत्याशियों के जो भी अभिकर्ता हैं वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ईवीएम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो यहां पर लगाए गए एक बड़े स्क्रीन के जरिए उसको लगातार देख रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं महापौर पद के, उन्होंने अपने अभिकर्ताओं को यहाँ पर तैनात किया हुआ है जो कि पहाड़िया मंडी में स्ट्रांग रूम पर होने वाली सारी गतिविधियों को देख रहे हैं, वहाँ आने जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जैसा कि स्ट्रांग रूम सील हो रखा है और मतगणना दिवस पर 13 मई को स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा, तब तक ये जो भी अभिकर्ता हैं लगातार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ पर हो रही गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रत्याशियों को इसका फीडबैक दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था या स्ट्रांग रूम के पास की गतिविधियों को सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और आश्वस्त हो रहे हैं कि उन जो लोगों ने वोट डाला है और जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित है उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही है। हमारे साथ ये जो अभिकर्ता है, हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये कब से यहाँ बैठे हुए हैं। जी, आप कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कब से? सबसे पहले तो मैं आपको वारा समाचार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के महापौर प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में मैं राजकुमार मौर्य यहाँ पे ईवीएम की सुरक्षा दृष्टि को कैमरे की नज़र में जो है जिस दिन से लगा ईवीएम मशीन का उस दिन से आज तक जो है 24 आवर्स जो है यहाँ पर निगरानी के जरिए यहाँ पर पड़ा हूँ और एक दो साथी हम लोग भी हैं। और इस चीज़ को देखना ये है हम लोगों को कि यहाँ पे जो भी मतगणना का जो सही तरीका है, रिजल्ट है, अच्छे पारदर्शिता निष्पक्ष रूप से जो सारी चीज़ें मतगणना दिनों तक जैसे कि 13 तारीख को होना है वह अच्छे सुचारू रूप से हो जाए, तब हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी कि नहीं यहाँ पे जो है चुनाव का जो निष्पक्ष तरीके से गणना हुआ है। और ईवीएम को रख रखाव में प्रशासन के रूप में पीएससी के जवान, पुलिस, सारी जो है फोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, उन लोगों को भी इस ईवीएम सुरक्षा के दृष्टिकोण में उन लोगों को भी लगाया गया है कि आप लोग भी इसमें किसी तरह से कोई भी गलत गतिविधियाँ या कोई भी दिक्कतें, तरह तरह की जो भ्रांतियाँ पहले की अपेक्षा फैली हुई थी वह दोबारा रिवाइज ना हो सके 2022 की जो दिखाई गई थी। इसी वजह आप भी यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं? हम लोग 4 तारीख के शाम से हैं। 4 तारीख की शाम से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या ये शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है? 24 घंटा हम 24 घंटा है। 24 घंटा जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि ये सपा पद के जो महापौर के प्रत्याशी थे उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन लोगों की ड्यूटी 24 घंटे लगाई गई है। शिफ्ट में ये लोग जो भी प्रतिनिधि हैं वो शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं और आश्वस्त हो रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से भी यहां अधिकारियों को तैनात किया गया है जो शिफ्ट में आकर इस सीसीटीवी की वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ जिला प्रशासन की ओर से जो प्रतिनिधि हैं हम उनसे भी जानते हैं कि कैसे ड्यूटी लगाई गई। जी नमस्कार, मैं जिला कृषि रक्षा अधिकारी, मेरी ड्यूटी 2 बजे से 10 बजे रात्रि तक है। 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की है और 6 बजे से फिर 2 बजे तक अमित मिश्रा भूमि संरक्षण अधिकारी, उनकी ड्यूटी है। तो लगातार हम लोग 24 घंटे 3 अधिकारी 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगे हुए हैं। जी, ये 8-8 घंटे की अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है जो ईवीएम की सुरक्षा में लगाए गए सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं ये पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं जो कि लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को एक चाक चौबंद बनाए हुए हैं और जब तक मतगणना संपन्न नहीं हो जाती, जब तक स्ट्रांग रूम खोल नहीं दिया जाता, तब तक ये लोग पल पल की निगरानी कर रहे हैं। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए
सौरभ अग्रवाल अपने सहयोगी मदन मुरारी पाठक के साथ।